नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि यह सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। जीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश सभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। राहुल जी, अभिषेक बनर्जी के तेवर को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी जी के जो तेवर जिस तरह से दिखे और वो लोकसभा अध्यक्ष से सीधा संघर्ष करते हुए जो नजर आया सदन के भीतर, तो स्पष्ट है कि अब यह सदन पुराना सदन नहीं बचा है कहीं से भी। और यहां पर विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है, वो तो देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका है और जो राज्यसभा में सभापति की भूमिका नजर आती है, वो तो सच में बड़ी परेशान करने वाली भूमिका है। और उनको अब मुंहतोड़ जवाब मिलना प्रारंभ हो चुका है। जैसे होता है ना कि हम लोग जाते हैं टीवी चैनलों पर, वहां पे एंकर जिस तरह से निष्पक्ष और तटस्थ आवाज को आगे नहीं देता है, उसमें बीच बीच में 10 तरह से वो रुकावट पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो इन गोदी मीडिया के एंकर और लोकसभा अध्यक्ष बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यसभा के सभापति, इन सबों की भूमिकाओं में बड़ी समानता नजर आती है। और अब वहां पर मुंहतोड़ जवाब उन्हें मिल रहा है। ये लोकसभा पिछले लोकसभा से काफी जबरदस्त तौर पर अलग है और वो तमाम लोगों के अभिव्यक्तियों में सामने में नजर आ रहा है। अब आप सोच के देखिए कि इनके अगर तमाम बजट को देखें, राजीव जी, कि सरकार के कल के बजट को तो छोड़ दीजिए, इसके पहले के भी जो बजट थे, वो बजट में इनके देने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन अब विपक्ष मजबूत है तो वो तमाम तरह की चीजें जनता के सामने में बजट की बारीकियां विपक्ष रख पा रहा है सामने में खुलकर। कि अब हम लोगों ने देखा कि सरकार गठन से लेकर अब तक कहीं भी दबाव में नहीं लग रहा था कि सरकार गठबंधन सरकार चला रही है, लेकिन कल के बजट को देखकर स्पष्ट हो गया कि यह सरकार वैसाखियों पर टिकी है। इनका एक वैसाखी बिहार में है और दूसरा आंध्र प्रदेश में, वो नजर आया। लेकिन जो बिहार को 59,000 करोड़ देने का जो वादा हुआ है, वो जरूर देखने में हेडलाइन मैनेजमेंट में लग रहा है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है, लेकिन बिहार वासियों की दृष्टि से सोचिए तो राजीव जी, वो बिहार को बहुत बड़ा झुंझुना फिर से पकड़ा दिया गया है। मैं एक सवाल कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2015 में अगर बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, 1,25,000 करोड़ का पैकेज था उस समय आरा के जो उनके तथा उनका जो मान भाषण था उस समय प्रधानमंत्री जी का, और उस भाषण को प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी उसको, और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने बजाते उसके लिए बताया था कि किस किस मद में कितना खर्च किया जाएगा। तो 2015 का 1,25,000 करोड़ अगर आज के डेट में इन्फ्लेशन वगैरह को जोड़ दिया गया 2024 में, वो कम से कम 2,00,000 करोड़ तो जरूर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने उस संबोधन में खुद ही माना था, राजीव जी, कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि 50,000-60,000 करोड़ से उसे कुछ होना ही नहीं है, तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ना बिहार के सेहत को। तो जब सदन के भीतर यह बजट पढ़ा जा रहा था, प्रधानमंत्री को होशो हवास में पता था कि बिहार के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा है यहाँ पे। और जो पीरपैंती वाला, जो भागलपुर के पीरपैंती में जिस विद्युत संयंत्र को 24,400 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, उसकी घोषणा भी कब से हो रही है राजीव जी? 2014 से हो रही है। 2014 में घोषणा हुई, 2015 में घोषणा हुई, अब 2024 में बजट में घोषणा हो रही है। बजटीय घोषणा को हम लोग काफी गंभीरता के साथ लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन मोदी जी के बजटीय घोषणा को कितना गंभीरता से लिया जाए, थोड़ा कुछ पिछले बजट का खाली मैं एक संदर्भ रख रहा हूं दर्शकों को समझने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूंजीगत व्यय के ऊपर इस बार 11,11,000 करोड़ रुपया का बजट रखा गया। पिछले बजट में 10,00,000-10,00,000 करोड़ का बजट रखा गया था, वो बमुश्किल 6,00,000 करोड़ के आसपास खर्च हो पाया है राजीव, 6-6.5 लाख मैक्सिमम खर्च हो पाया है। तो जो 2 फरवरी को जब बजट आता था, तब तो 31 मार्च तक में पूरा प्रोसेस करके पूरा खर्च नहीं कर पाते थे, और खर्च करने की इनकी मंशा ही नहीं होती है। बजट में घोषणा कर देता है, बाद में वो पैसे सरेंडर होकर फिर केंद्र सरकार के पास वापस हो जाते हैं। तो बिहार को जो बजट दिया गया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सड़क वगैरह के मद के कुछ पैसे तो जरूर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि वो ठेकेदारों को कुछ लाभ प्राप्त होंगे उसके, लेकिन बिहार वासियों के पूरे उनके भूमिका, उनके जो चीजें, उनकी जरूरतें हैं, वो इससे कहीं से भी किसी रूप में पूरी नहीं होगी। 59,000 करोड़ की राशि
बिहार वासियों के ऊपर कहीं से खर्च भी नहीं होगी। मुझे अभी भी एक घटनाक्रम ध्यान में है पूर्णिया को लेकर। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री पूर्णिया पहुंचे थे, तब उन्होंने पूर्णिया में घोषणा कर डाली थी कि यहां पर तो एयरपोर्ट बन चुका है। राजीव जी, 2020 से हम लोग 2024 में आ चुके हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट अभी भी नहीं बना है। दरभंगा का एम्स की कहानी, बिहार को लेकर तो जितनी कहानियां हैं हमें लग रहा है कि उतनी तो कल्पना लोक की कहानियां बीजेपी ने कहीं भी नहीं चलाई है। वो दरभंगा एम्स भी आज तक अस्तित्व में नहीं है। तो जैसे दरभंगा एम्स अस्तित्व में नहीं है, जैसे पूर्णिया का एयरपोर्ट अभी भी अस्तित्व में नहीं है, वैसे 59,000 करोड़ रुपया भी कहीं कल्पना लोक के कहानी में ना रह जाइए। क्योंकि ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर करती है, लेकिन जब रियल देने की बात आती है तो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कल के बजट में, चाहे किसान हो या युवाओं को लेकर तमाम, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है हम भी इंटरनेट सिम के उसी मामले को उठाए। बताइए इस महंगाई में 5,000 रुपये का क्या महत्व है आज के डेट में? कांग्रेस ने 8,500 रुपये की बात की थी और उसके बोलिए बजाबते विधिवत एक प्लानिंग की घोषणा की थी, ये उस पूरे प्लानिंग को लेकर बिल्कुल आधे अधूरे ढंग से उन्होंने घोषणा कर दिया। तो इन्हें केवल एक परसेप्शन बिल्डिंग करना है कि हाँ हम रोजगार को, हम बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन रुचि नहीं है इनकी कहीं से भी। अगर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर में रुचि दिखाते तो आज बताइए किसान नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए क्यों जाते? किसान नेताओं को तो धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था। लेकिन इस बजट में मैं मानता हूं कि सबको ठगा गया है। समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के प्रत्येक निवासी, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहे, इस पूरे बजट में मैंने पहले ही कहा था कि सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है और इस बजट में किसी को मिला भी कुछ नहीं है। हाँ, अब आप सोच के देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार, कल एक आखिरी मैं थोड़ा नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी कर लूं, एक तो नीतीश कुमार जी का कल बजट के बाद जिस तरह से वो स्वागत कर रहे थे इस बजट का, वो बड़ा एक आश्चर्यजनक स्थिति थी। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस अगर सरकार नहीं दे रही है, स्पेशल स्टेटस का मतलब यह होता है कि जो धनराशि खर्च होगी उसका 90% राशि केंद्र सरकार के माथे पर और 10% की राशि वो राज्य सरकार के ऊपर जाएगी जी। आप अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो ये तमाम पैसे जो है वो बिहार के लोन में भी वृद्धि करेगी राजीव जी, यानी बिहार कर्ज बोझ में डूब जाएगा। और कल वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार को अगर कर्ज चाहिए तो हम अलग अलग जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां से कर्ज दिलवाएंगे। कर्ज दिला के बिहार का कौन सा विकास होगा? और वर्तमान के समय के नेता तो भ्रष्टाचार में डुबकी लगा लेंगे। हम लोगों ने देखा जी, है पिछले एक महीने में कितने सारे पुल ढहे हैं, उन पुलों के ऊपर कभी हम लोगों ने देखा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स या बिहार पुलिस की कोई सक्रियता नजर आई? बिल्कुल नजर नहीं आई है। ऐसे स्थिति में बिहार को लोन भी दे दीजिए और उस लोन का बंदरबांट हो जाए, बिहार के लोग कर्ज में डूब भी जाए, तो फिर उसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा राजीव जी? तो क्वालिटी के साथ समझौता तो होना पहले से ही तय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल असर नजर आएगा। देखिए नीति आयोग में अगर हम लोग देखें पिछले 10 वर्षों से नीति आयोग का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल एक पक्षी रवैया रहा है। वहां पे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को ना तो सुना जाता है, और पूरे केंद्र सरकार को देखें तो जो इनका आवंटन का तरीका है राज्यों को और विशेषकर जो विपक्षी राज्य हैं उनके प्रति बड़े भेदभावपूर्ण स्थितियां रहती हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ चुका था कि नीति आयोग के भीतर क्या चीजें होती हैं वो भी अब जनता के समक्ष आना चाहिए। और एक तरह से इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्रियों को वहां पे नहीं भेजने का निर्णय लिया है, तो बड़ा ही ये एक सही फैसला है, देर से लिया गया, एक मजबूत फैसला है इसमें। चूंकि इंडिया एयरलाइंस काफी मजबूती के सामने में है और ये फैसला लेने की सही घड़ी थी। देखिए अब अगर हम लोग आंध्र प्रदेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के साथ इंडिया एयरलाइंस किस तरह से जो है कि अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, तो बड़ा आपने सही चीज कहा कि अगर राज्यसभा में देखें आंध्र प्रदेश से टोटल 11 जो है सदस्य आते हैं राज्यसभा में, और अभी जो लोकसभा से पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा के, तो उसमें बिल्कुल क्लीन स्वीप जो है वो जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में रहा, यानी 11 में से 11 सदस्य उनके पार्टी के तरफ से ही है। तो उस दृष्टि से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को उनको कंट्रोल करने के लिए वो जो तमाम तरह की चीजों को वो लाते थे राज्यसभा में, इन लोगों का समर्थन ले लेते थे, क्योंकि लोकसभा में तो विपक्ष की स्थिति मजबूत है, राज्यसभा में भी विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। और जगन मोहन रेड्डी की परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं, वो अब वहां पे विपक्ष में जा चुके हैं और उन्हें भी, चूंकि उनके ऊपर जिस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो वो उन स्थितियों में उन्हें भी अब कहीं ना कहीं विपक्ष की जरूरत है कि कहीं उनका उत्पीड़न ना हो, उनको समस्या ना हो, और ये एक विन विन सिचुएशन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जो तमाम पूर्वक्ताओं ने कहा और आपने भी जो कहा कि ये कोई सीधे सीधे फ्लोर मैनेजमेंट की स्थिति नहीं है। जो वहां पर यह प्रयास चल रहा है वो एक गहन और गंभीर प्रयास है इंडिया एलायंस को आगे बढ़ाने के लिए और
इसके बाद इस प्रकार के प्रयास हम लोगों को उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ भी देखने के लिए मिलेगा, उसकी भी पूरी संभावना। एक सवाल जो आपने पूछा, राहुल गांधी ने जो किसान नेताओं को संसद भवन के भीतर बुलाया, सोचिए इसके संदेश कितने बड़े हैं राजीव जी। जिन किसान नेताओं ने, जो वही हरियाणा बॉर्डर जिसकी बात कर रहे हैं, सब्बू बॉर्डर पे हम लोगों ने देखा है कि वहां पे किस तरह से क्या परिस्थितियां बनाई गई थी, और वहां पे ड्रोन से हमारे ही अन्नदाता के ऊपर हरियाणा पुलिस और वहां पे अर्धसैनिक बल हमले कर रहे थे। तो किसान अन्नदाताओं को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको दिल्ली आने की पूरी छूट होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि आप केवल दिल्ली ही नहीं आएंगे, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, संसद भवन का परिसर, उस संसद भवन के परिसर में हम किसानों के साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो नया नया कदम उठाते चले जा रहे हैं, ये बात सही है कि वो तब चाहते तो दिल्ली में किसी अन्य जगह पर भी किसान नेताओं से वार्तालाप कर सकते थे, अपने घर पे कर सकते थे, कहीं और जगह करते, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे संसद भवन को ही चुना। इसके मैसेज स्पष्ट है कि संसद भवन का अब स्वरूप बदल चुका है, और अब वो हमारे अन्नदाता, गरीब, पिछड़ा, वंचित तबका, उन सबों के लिए जो है कि उनके दरवाजे, संसद भवन के दरवाजे अब खुल चुके हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। कल जो नाम मात्र वाला, जो है कि मैं कहूंगा कि जो नौटंकी वाला बजट था, जिसमें 1,52,000 करोड़ रुपया का एलोकेशन किया गया, पिछले बजट में भी जो इसी प्रकार के एलोकेशन थे, 50% की राशि वो खर्च नहीं हुई थी। तो किसानों को आप कह रहे हैं कि कभी आप इसका जो है कि आप ये पालन, मत्स्य पालन कर लीजिए, तो कभी आप उनको दलहन उगाने की सलाह दे रहे हैं। अभी आप किसानों को एमएसपी गारंटी दे दीजिए ना, दलहन के क्षेत्र में ही शुरुआत कर दीजिए आप, कि हम उन क्षेत्रों में जो है कि बिल्कुल एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। आप एमएसपी गारंटी दीजिएगा, बाकी काम तो किसान खुद ही कर लेगा। तो मुख्य काम ना करके हमेशा किसानों को दाएं बाएं भड़काने वाली स्थिति है, अन्नदाता की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और एक चीज मैं राजीव जी कहूंगा, बिहार में जो भागलपुर से लेके बक्सर और भागलपुर एक्सप्रेस वे बनेगा, तो क्या वो हरियाणा के उन बिचौलियों के लिए बनेगा, पंजाब के उन बिचौलियों के लिए बनेगा, जो वहां पे तो मंडियां हैं नहीं किसानों के लिए, कोई भी मंडी वहां से हम लोग यही चीज देखते हैं कि वहां पे व्यापारी जो है कि वो सस्ते भाव में जो है कि अनाज खरीदते हैं बिहार के किसानों का, और लाके पंजाब हरियाणा के मंडी में बेच देते हैं। तो सवाल ये, पंजाब हरियाणा चले गए राहुल लाल जी, गुजरात चलिए, गुजरात, अब गुजरात के मंडियों में बिक रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि आखिर उन मंडियों को कैसे खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। इन उत्तरों से ये लोग भाग नहीं सकते हैं। तो इनको हमें लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास इसलिए किया जा रहा है कि वहां के किसानों का सस्ते में और दोहन कैसे किया जा सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास थोड़ा जमीन पे होता है तो उसके परिणाम कुछ इसी रूप में दिखेंगे राजीव जी। लेकिन इतना है जो आपने हेडिंग लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने में इस समय जो वो सरकार चला रहे हैं, सदन के भीतर, सदन के बाहर, सड़क पे, हर तरफ वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं, और वो तूफान नहीं, मैं तो कह रहा हूं सुनामी में घिरे हुए हैं राजीव जी। जी, तूफान नहीं बल्कि सुनामी, शब्द को सुधार कर पढ़ें, देखें, समझें। चलिए राहुल लाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सुनामी आने वाले समय में किस दिशा में, क्योंकि बहुत कुछ उखड़ जाते हैं, उजड़ जाते हैं ऐसे, जब सुनामी और तूफान की जब हम बात करते हैं, अच्छा नहीं है ये शब्द बहुत। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।